हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ बस इतना है कि कैसे बैक पेपर फीस कटवाना है उसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले गूगल पे जाके SBI कलेक्ट सर्च करना है, तो उसके बाद जो ऑप्शन आएगा स्टेट बैंक, उस पर क्लिक करना है। तो उसके बाद जस्ट आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ टिक करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आप अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा एंड देन उसके बाद आपको यहाँ अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तीसरे नंबर पर जो आएगा इसको सेलेक्ट कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद गो पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ आप अपने कॉलेज का नाम सर्च कीजिएगा, जो भी आपके कॉलेज का नाम होगा। तो हम अपने कॉलेज का नाम सर्च करते हैं, कॉलेज का नाम सर्च करते ही सबमिट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ आप सेलेक्ट कैटेगरी में यहाँ फीस सेलेक्ट कीजिएगा, आपका थोड़ा कॉलेज का दिखा देगा या पिन कोड वगैरह देख लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ फीस सेलेक्ट करेंगे अपने आप ही रिफ्रेश हो जाएगा। उसके बाद एक डाटा आएगा, इसको आप अच्छे से फिलअप कर लीजिएगा। इसमें कुछ ज़्यादा वो है नहीं, बस आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका मतलब ब्रांच, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, यही सब चीज़ें हैं। हो सके तो आप रिमार्क में फ़िलअप कर दीजिएगा थोड़ा सा, बैक पेपर फीस जो भी आपका सब्जेक्ट में बैक लगा होगा उसमें फ़िलअप कर दीजिएगा रिमार्क में। बाकी सब वही सब चीज़ें हैं, कुछ वैसे चीज़ नहीं जो आपको ना समझ में आए। ये सब फिलअप करने के बाद आप यहाँ नीचे आएगा कन्फर्म, यहाँ सबमिट का जो ऑप्शन होगा इस पर आप क्लिक कीजिएगा कैप्चा फिलअप करके। उसके बाद यहाँ एक बार आप सही से चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ के बाद आगे पीछे आप बैक करेंगे तो अभी तो यहाँ से तो बैक हो जाएगा, लेकिन अगर ये कन्फर्म करके बैक करेंगे तो अगर फिर से बैक करेंगे तो पूरा डाटा एरर हो जाएगा। इसलिए यहाँ एक बार आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, उसके बाद तभी कन्फर्म कीजिएगा इसको। चेक करने के बाद जैसे आप कन्फर्म करेंगे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप जिसमें भी सूटेबल हो उस अपने हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हम पेमेंट करके आपको दिखा देते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि आप UPI से ही पेमेंट करें। वैसे रात के समय 10 से ये बंद रहता है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप। उस पर जब क्लिक करेंगे तो QR कोड पर क्लिक करके आप QR कोड ओपन हो जाएगा। आप अपने स्कैनर से जो भी, चाहे गूगल पे, फ़ोनपे, जो भी होगा उस पर आप स्कैन करके पेमेंट कर दीजिएगा। जैसे ही पेमेंट करेंगे ये अपने आप कुछ सेकेंड में अपने आप ही ये रिफ्रेश होकर आपका जो है एक PDF फॉर्म में आ जाएगा। आप इसको बैक मत कीजिएगा, नहीं तो आपका पेमेंट फंस जाएगा। आप यहाँ रुके रहिएगा, टाइमर ऊपर चल रहा है, आप इस पर स्कैन करके पेमेंट कटवा देंगे। उसके बाद थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा, अपने आप ही पेज रिफ्रेश होकर एक PDF फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या रेफरेंस ID नंबर जो है ऊपर उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर रेफरेंस ID नंबर है दोबारा तो आप अपना PDF फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। रेफरेंस ID नंबर बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। बस वीडियो बनाने का इतना पर्पज़ था कि आप लोग सीख सके, जान सके कैसे करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।